वंदे हम श्रीगुरुपकमल श्रीगुरुवांसागर जात सहगण रघुनाथावदूत हरिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्रीराधा कृष्ण पादा हे जगतपते गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं जायते गिरं यत्कृतं वन्दे श्रीगुरुनाथं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं नाना शास्त्र विचार निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितधारिणौ त्रिभुवने मन्यौ शरण्याकरौ राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नंदे नमत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ सांख्यापूर्वकनाम गाननतिभि कालावसानी कृतौ निद्राहार विहार कादि विजिताओ चाद्यंत दीनौ चयौ राधा कृष्ण गुणास्मितेर मधुरिमा नंदेन सम्मोहितौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ हरे कृष्णा First of all, I would like to offer my respectful obeisances to the lotus feet of His Holiness Padma Swami Maharaj. Then offer my humble obeisances to my Shiksha Guru, His Dev Ramakrishna Prabhuji, Hare Krishna Yashoda Mataji, and offer my humble obeisances to all the lotus feet of all the Vaishnavas sitting over here. सबसे पहले मेरे कोई पात्रता नहीं है ना कोई योग्यता है कि यहाँ आपके सामने वरिष्ठ भक्तों के सामने मैं कुछ बोल पाऊँ लेकिन आप अगर मुझे आशीर्वाद देंगे तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि भगवान की स्तुति में कुछ मैं बोल पाऊंगा। तो हमको वरिष्ठ गुरु सब कहते हैं कि हमको किताबें पढ़नी चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, सब प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी चाहिए। तो कहाँ लिखा है कि हमको एक पढ़ना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए,
तो भगवद गीता का चौथे अध्याय का 36 वचन क्या कहता है, अच्छे कृष्ण भगवान अर्जुन को कहता है, अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वभ्यो पापकृतमः सर्वज्ञान प्लवेनैव परिजनं संतर्यश्यसि। तो इवन इफ यू आर कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट सिंपल ऑफ ऑल सिनर्स व्हेन यू आर सिचुएटेड इन द बोट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज यू विल बी अक्रॉस ऑल द ओशन ऑफ मिजरीज। मतलब कितने भी बड़े पाप कर लिए हो अपने जीवन में, लेकिन अगर ये जो दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान के नाव पर अगर हम सवार हो गए, तो हमारी जो संसार की जो हमारी संसार है, तो हम दुखों का जो हमारे जो दुख है जीवन के, तो दुखों इस संसार को आसानी से पार कर सकते हैं। तो ये ज्ञान हमको, ये दिव्य ज्ञान कहाँ मिलेगा ये दिव्य ज्ञान, तो हमने सीखा है हमारे भक्तगणों से, वरिष्ठों से सीखा है कि हमको तीन प्रकार के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है, दूसरा अनुमान प्रमाण है, तीसरा शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण क्या है, ये शास्त्र है, तो ये शास्त्र हमको पढ़ने चाहिए। तो जब नए नए हम भक्ति में आते हैं, इनफैक्ट मैं जब नए नए भक्ति में आया था कृष्ण कॉन्शियस में, तो सब वरिष्ठगण कहते थे कि ये किताब हमको पढ़नी चाहिए। तो मुझे लगता है क्या छोटी सी किताब है 11 वर्ष, इसमें क्या है, ये छोटी सी किताब नहीं है, इसमें बहुत सारा क्या गहरापन है, बहुत सारी गहराई है। तो मैंने सोच लिया चलो आज ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन या उपदेश अमृत पे कुछ बोला जाए, कुछ उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये किताब ऐसी है जिसके ऊपर हम रोज मेडिटेट कर सकते हैं। ये जो 11 श्लोका है, ये 11 इतने पावरफुल श्लोका है, हर एक श्लोका के ऊपर हम रोज मेडिटेट कर सकते हैं। और जब हम ये श्लोका को अपने जीवन में उतारेंगे, तो हमको चलो इनिशियल के 2-3 श्लोका भी हमारे जीवन में उतारेंगे ना, तो वो श्लोका भी हमारे लिए हमारे जीवन को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब भक्ति में हम आगे बढ़ने के लिए श्लोका को पार हमको मतलब फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। तो एक बार क्या हुआ, एक बार जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तगण के साथ जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे आए थे। तो आपको सबको पता है जगन्नाथपुरी, चैतन्य महाप्रभु ये सबसे मोस्ट मर्सीफुल इंकार्नेशन है ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो अपने सभी भक्तों के साथ ये समुद्र के किनारे आए, और तभी तब उन्होंने समुद्र को देखा, तो समुद्र को देख के उनको श्याम सुंदर का, कृष्ण भगवान का श्याम सुंदर रूप याद आने लगा। तो उन्होंने जब पेड़ों को देखा, पेड़ को देख के उनको तुरंत वृंदावन याद आ गया, मिट्टी के ढेर को देखा वहां पे, तो उनको तुरंत उनको गोवर्धन पर्वत आने लगा। तो वो तुरंत मूर्छित हो गए। तो मूर्छित होने के बाद बहुत मुश्किल से सभी भक्तगणों ने उनको अपने होश पे लेके आया। तो जब होश में आ गए वो, तब उन्होंने सभी भक्तगण को ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये उपदेश अमृत के 11 वर्सेस बताए। तो तभी श्रील रूप गोस्वामी भी वहां पे उपस्थित। तो श्रील रूप गोस्वामी ने ये किताब श्रील प्रभुपाद के द्वारा हमारे लिए डायरेक्टली अवेलेबल है, मतलब चैतन्य महाप्रभु की मन की बात ये किताब में हमारे पास है। तो फिर बाद में ये जो श्रील रूप गोस्वामी ने यही 11 इंस्ट्रक्शन जीव गोस्वामी को भी दिए। तो हम जो साधकाज है, एटलीस्ट हम साधकाज जो है, हमारे ये किताब बहुत बहुत जरूरी है। जो सिद्धांत है ये किताबों के, वो उसको हमें गले में माला रहती है ना, वो माला के समान ये वर्सेस को हमको जपना चाहिए। तो अब देखो उपदेश अमृत में 3 विभाग है। पहला विभाग है कौन सी चीजें जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, मतलब अनफेवरेबल। दूसरा पार्ट है कौन सी चीज है जो फेवरेबल है, और तीसरा पार्ट है वो सीधा हमको व्रज में लेके जाता है। व्रज में कहाँ पे है, व्रज में भी हमको राधा कुंज के पास लेके जाता है, जो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण भगवान को सबसे प्रिय है। तो पहला जो वर्ष है, पहला वर्ष में क्या है, कोई बता सकता है पहला वर्ष क्या है? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम शिष्या। तो ये 6 अर्जेस है, ये 6 वेग है।
कौन से मन के वेग है, हमारी वाणी के वेग है, क्रोध के वेग है, हमारे जीवा के वेग है, हमारे जो उदर है, उपस्थ है, उसके वेग है। अगर ये छह वेगों को अगर हम कंट्रोल कर पाए तो भक्ति में हम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा वर्ष क्या है, अत्याहार प्रयासश्च भजन पूर्णिम आग्रह जन संगश्च लोलम च सद्धि भक्ति विनश्यति। अत्याहार प्रयास प्रजल को नियमाग्रह जनसंघ छह के जो छह ये जो चीजें है ये भक्ति के लिए क्या है हमारे लिए अनुकूल है। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक है वो है वर्ष नंबर तीन पे हम चर्चा करेंगे। तो वर्ष नंबर तीन क्या है, उत्साह निश्चया धैर्या तत् कर्म प्रवर्तना हरि बोल। कोई माता जी ये श्लोक पढ़ना चाहेंगे। हरि बोल। कोई बच्चा इस श्लोक का पढ़ना पड़ेगा। बच्चे कौन से बच्चे को आता है श्लोक का, क्विक हरि बोल। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो इसमें छह प्रिंसिपल्स बताए गए, छह सिद्धांत है जो फेवरेबल है भक्ति के लिए जो अनुकूल है। तो वो छह प्रिंसिपल्स क्या है, पहला क्या है उत्साही रहना, उत्साह। दूसरा क्या है कॉन्फिडेंट रहना। तीसरा है पेशेंट रहना। चौथा है स्क्रिप्चर्स के हिसाब से रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के हिसाब से फॉलो करना, नवधा भक्ति है जो श्रवणम है, कीर्तनम है, विष्णु स्मरणम है, Hearing, chanting, remembering Krishna. पांचवा क्या है, भक्तों जन जो भक्त का नहीं है उनका संग छोड़ देना, त्याग देना। और छठवा क्या है, जो गुरु आचार्य हमारे जो आचार्य है गुरुजन है उनके मार्गदर्शन पे चलना। तो आज का जो मेन टॉपिक है जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं तो उत्साह, enthusiasm। तो ये उत्साह क्या है, जोश हमें कोई काम करता है, प्रफुल्लित होके कोई काम करता है, आनंदित होके काम करता है, वो है उत्साह। ऑफिस में तो सबको उत्साह रखना है, अगर हम ऑफिस में उत्साह नहीं रखेंगे तो यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। माता जी लोग को अगर हम कहेंगे कि चलो माता जी चलते हैं वृंदावन में लोही बाजार में हम थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं, तो तुरंत उनके उनमें चेहरे पे जो चुनाव दिखती है उसमें पता चल जाता है क्या उत्साह है, वो है उत्साह। तो जब हम ऑफिस में भौतिक जीवन में उतना उत्साह ला सकते हैं तो आध्यात्मिक जीवन में हमको उत्साह क्यों नहीं लाना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में उत्साह क्यों इतना उत्साह जरूरी है। अगर हम हमारे जीवन में उत्साह नहीं लाएंगे भक्ति में तो क्या होगा, सबसे पहले हम लापरवाह होंगे, वी विल बी नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट टुवर्ड्स व्हाट, वी विल बी नेग्लिजेंट टुवर्ड्स द वर्शिप ऑफ कृष्णा, भगवान कृष्ण की भक्ति में हम लापरवाह हो जाएंगे। तो लापरवाह क्यों होंगे, लापरवाह होने के लिए दो कारण है। पहला हम आलसी होंगे, हम आलसी हो जाते हैं, आलसपन आता है इसके लिए हम लापरवाह हो जाता है। दूसरा कारण है कि हम अपने कंफर्ट जोन को डिफाइन कर देते हैं, कंफर्ट जोन में ये सेवा रहेंगे तो हम करेंगे, कंफर्ट जोन से मेरी सेवा नहीं है तो ये सर्विस में नहीं करूंगा। हमारे मन में ख्याल आता है ये मेरी बाउंड्री है, ये पर्टिकुलर सेवा ही मैं कर सकता हूँ, ये सर्विस पर्टिकुलर सर्विस मैं कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अगर हमारे मन में ऐसा कोई ख्याल है तो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। तो मेरा खुद का एक एग्जांपल है, आप तो काफी बड़े वरिष्ठ भक्त है, बहुत अच्छी तरह से चैंटिंग करते हैं, मैं कभी कभी सुबह में चैंट करता हूँ तो तुरंत मेरा कभी कभी क्या है, मेरा ध्यान कहीं तो और चला जाता है, लिप्स चलने लगते हैं, आवाज सुनाई नहीं देती। पता है हमको चैंटिंग के वक्त भगवान का नाम सुनना चाहिए लेकिन मन कहीं तो ऑफिस के काम में चला जाता है, कभी कभी मोबाइल देखने लग जाता हूँ, कभी कभी किताब उठा लगता हूँ तो मेरा मन भटक जाता है। क्यों होता है, क्योंकि मेरे में उत्साह नहीं है, उत्साह की कमी है, इसके लिए मैं बराबर जाप नहीं कर पाता।
तो अगर मेरे हृदय में, अगर मेरे शरीर में और मेरे मन में अगर विचार ऐसे है तो ये मेरे लिए भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है। अगर बार बार अगर साधना में हम गिर रहे हैं, फिर भी हम उठ रहे हैं और फिर वापस से हम अच्छी तरह से जाप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उत्साह है। वो उत्साह को हमारे जीवन में हमको लाना बहुत बहुत जरूरी है। तो कृष्णा तो हम कहते हैं कि मतलब उत्साह क्यों इतना जरूरी है, उत्साह क्योंकि इसको कैसे समझे। तो इसके लिए हम समझ सकते हैं कि हम इतने, मैं स्पेशली, आप तो सभी बहुत अच्छे भक्त हैं, मैं बहुत इतने सारे अपराध करता हूँ, इतने सारे ऑफेंसेस करता हूँ, फिर भी भगवान मुझे मौका दे रहे हैं आप जैसे भक्त बन का संग लेने का मौका। श्री रामचंद्र का एक पास टाइम बता रहे थे, तो क्लास में जब बैठते हैं तो तभी जनरली एटिकेट रहता है कि हमको क्या है, क्लास में से उठ के नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज नेसेसरी क्लास में उठ के जाना नहीं चाहिए, ये एटिकेट है। तो सभी भक्तगण बैठे थे, रामानुजाचार्य अपने डिसाइपल्स को राम एक श्री रामचंद्र की पास टाइम बता रहे थे। तो उनका जो एक शिष्य था धनुर्धर, वो भी ये पास टाइम सुन रहा था, तो सभी भक्तगण सुन रहे थे। तो तभी वो बता रहे थे, वो श्री रामचंद्र का पास टाइम में वो विभीषण के बारे में बता रहे थे कि विभीषण लंका छोड़ के, सब कुछ छोड़ के श्री रामचंद्र को नतमस्तक होने, श्री रामचंद्र को सरेंडर होने के लिए वो आ रहे थे। तो तभी सभी जो अन्य भक्तगण थे उन्होंने श्री रामचंद्र से कहा कि विभीषण तो आखिर भाई है, रावण का भाई है, तो हमको विभीषण पे विश्वास रखना नहीं चाहिए। तो ये जब पास ये सुना तो तुरंत उनका जो रामानुजाचार्य का जो शिष्य था धनुर्धर वो जगह से उड़ गया और वो दूसरा जगह चला गया। तो सभी लोग को लगने लगा धनुर्धर ने क्या अपराध कर लिया, ऐसे क्लास में से पीछे से क्यों उसने छोड़ के चला गया। और तभी लेकिन रामानुजाचार्य, उनके जो गुरु है श्री रामानुजाचार्य, वो समझ गए कुछ कारण है, इसीलिए धनुर्धर उठ के चला गया। तो फिर पूरा क्लास खत्म होने के बाद फिर रामानुजाचार्य अपने जो शिष्य है धनुर्धर के पास वो गए और धनुर्धर को देखा तो धनुर्धर फूट फूट के रो रहा था। धनुर्धर रो रहा था तो रामानुजाचार्य ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम। तो धनुर्धर ने कहा, रामानुजाचार्य अपने गुरु से कहा, विभीषण इतना बड़ा भक्त था श्री रामचंद्र का, इतना बड़ा भक्त था, सब कुछ समर्पित करने के लिए रामानुजाचार्य रामचंद्र जी से भगवान रामचंद्र को समर्पित करने के लिए आ रहा था, फिर भी भक्तगण ने उसके ऊपर क्वेश्चन किया, तो मेरी क्या स्थिति है, मेरी क्या परिस्थिति है, मतलब इतने बड़े भक्त के ऊपर भी अगर क्वेश्चन होता है तो मैं तो भगवत धाम कभी नहीं जा पाऊंगा। तो फिर रामानुजाचार्य बोले कि भगवान रामचंद्र ने सिर्फ विभीषण को नहीं अपनाया, विभीषण के साथ में आगे अन्य भक्तगण है उसे भी अपनाया। तो फिर विभीषण फिर रामानुजाचार्य ने धर्मधर को कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं भगवत धाम जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। तो उसके जो धर्मधर, उसका जो शिष्य है धर्मधर, वो कहे डेफिनेटली आप तो जरूर जा पाएंगे, आप तो मेरे गुरु है। तो रामानुजाचार्य, अगर मैं जाऊंगा तो मैं तुमको साथ में लेकर। तो फिर हमारे जीवन में अगर गुरु है तो ये काफी नहीं है हमारे लिए उत्साही रहने के लिए, तो हमको कितना भक्ति में उत्साही रहना कितना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो गुरु हमको टिकट मिल गया है भगवत धाम जाने के लिए, हमको टिकट मिल गया है उसका, जो हमको भगवत जाने के लिए, तो ये कारण सफिशिएंट है मेरे लिए कि मुझे जीवन में भक्ति में उत्साही रहना चाहिए। तो जब हमारे आचार्य है, आज श्री रूप गोस्वामी है, वह हमें हमेशा कहते हैं कि हमको भक्ति में क्या है, उत्साही रहना। तो श्लोक में पहला वर्ड क्या गया, उत्साह, हमको उत्साही रहना है। तो ये जो गुरु पर हमारे गुरु परंपरा में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, श्रील प्रभुपाद है, हमारे गुरु महाराज है, हमेशा हमको क्या शिक्षा देते हैं कि हमको जीवन में उत्साही रहना है, भक्ति में हमको हमेशा उत्साही रहेंगे। तो अगर भक्ति में हम उत्साही रहेंगे तो हमको क्या लाभ होगा, कृष्णा हम पे कृपा करेंगे,
कृष्णा विल शावर हिज कॉजलेस मर्सी अपॉन अस। सो ये कृष्ण कॉन्शियस है, ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमको टू बिकम सक्सेसफुल इन अवर लाइफ। अगर हमारे लाइफ में भक्ति में हमको अगर सक्सेसफुल होना है तो ये कृष्ण कॉन्शियस हमको बहुत अच्छा सा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ये सबसे बड़ा रिवार्ड है हमारे लिए। तो हम क्यों फिर इंटरेस्टिंग नहीं रहे, हम क्यों ना उत्साही रहे। भौतिक जगत में हम हमारे बच्चों को कहते हैं कि बाबा पार्टिसिपेट करो, कोई 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 भी जो छोटा सा इवेंट है उसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है अवार्ड ना मिले ना तो भी चलेगा लेकिन तुम पार्टिसिपेट करो। उसी प्रकार भक्ति के जो सारे अंग है, भक्ति के जो कार्य में हमको उत्साही रहना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये उत्साह क्या है, हम गिरेंगे फिर भी हम उठेंगे, वो उत्साह है हमारे लिए, वो उत्साह है। तो हमको हमारे मेरे अपराधों के कारण, मेरे पहले के जन्मों के, मेरे जो पास्ट कंडीशन जो कंडीशनिंग है, मेरे जो अपराध है वो मुझे हमेशा मुझे तकलीफ देते हैं, इसके लिए मैं ठीक सही प्रकार से साधना नहीं कर पाता, मैं हमेशा दूसरों के प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करता हूँ, दूसरों को क्रिटिसाइज करता हूँ, खुद के बारे में कुछ मैं कभी सोचता नहीं, दूसरों के बारे में बात करूंगा तो मैं पूरा उसमें से समय पूरा चला जाता है, टाइम पूरा चला जाता है, दिन चला जाता है, रात चली जाती है, पूरा महीना चला जाता है, साल चला जाता है, फिर मुझे रियलाइज होता है कि मैं पूरा वक्त मेरा चला गया, पूरा टाइम वेस्ट हो गया। तो अभी तो एटलीस्ट मुझे समझना चाहिए कि मुझे भक्ति में उत्साही रहना है, मुझे उत्साह से भक्ति करना चाहिए। तो हमको उत्साह कैसा रखना चाहिए, चातका बर्ड, ये जो चातका बर्ड है, चातका बर्ड के समान हमको उत्साही रहना है। तो चातका बर्ड क्या है, हमेशा साल भर तक प्यासा रहता है, वो देखता रहता है कि बारिश कब आती है, कभी कभी बादल गरजते हैं, गरजने लगते हैं, बारिश नहीं होती तो चातका बर्ड ऐसा नहीं सोचता कि मैं चला जाता हूँ किसी तालाब में जाके पानी पी लेता हूँ, नहीं, वो प्यासा रहता है, वो बारिश के बादल का वेट करता है, बारिश आने के बाद ही अपनी प्यास को बुझाता है। उसी प्रकार हमको चातका के बर्ड के समान हमारे जीवन में हमको भक्ति में उत्साह लाना चाहिए। तो वी हैव टू बी एंथुसियास्टिक फॉर डिवोशनल सर्विस। अगर हम एंथुसियास्टिक नहीं रहेंगे, अवर भक्ति विल वैनिश, हमारी भक्ति तुरंत चली जाएगी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने नेटवर्क ऑफ इंस्ट्रक्शन में उपदेश अमृत में क्या परपट में क्या बताया गया है, परपट में यही बताया गया है श्रील प्रभुपाद ने, भक्ति एक कल्टिवेशन है। कल्टिवेशन मतलब क्या, खेती, हम खेती करते हैं ना, कुछ बीज डालते हैं उगाते हैं, तो भक्ति भी एक कल्टीवेशन है। हमको हमारी भक्ति का जो बीज, हमारे जो गुरु ने हमारे बीज जो हृदय में हमको डाला है उसे उगाना है, तो वो भक्ति इज लाइक अ कल्टीवेशन। तो भक्ति ये क्या है, ये कोई मेडिटेशन ही है। चलो छोड़ो जो योगी है उसके समाज बैठ गए और जस्ट ध्यान लगा रहे, तो ये भक्ति है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति एक सर्विस है, भक्ति एक सेवा है, भक्ति एक कार्य है जो भगवान के लिए हम कर रहे हैं। तो हमको भगवान के लिए हमको सेवा करनी चाहिए। मेडिटेशन मींस स्टॉपिंग ऑल नॉन फिजिकल एक्टिविटीज फॉर टाइमिंग। मेडिटेशन मतलब क्या है, जो एक्टिविटीज है नॉन फिजिकल एक्टिविटीज को थोड़ी देर के लिए हमको स्टॉप किया, लगा दिया। लेकिन डिवोशनल सर्विस क्या है, डिवोशनल सर्विस नॉट ओनली पुट्स एंड टू ऑल नॉन फिजिकल मंडेटरी एक्टिविटीज बट ऑल्सो एंगेज वन इन मीनिंगफुल डिवोशनल सर्विस, ये श्री प्रभुपाद ने परपट में बताया गया है। तो प्रहलाद महाराज रेकमेंड करते हैं कि हमको श्रीमद भागवत में सातवें अध्याय में पांचवें स्कंद में 23वां श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये जो भक्ति की जो ये कल्टिवेशन है उसमें नौ प्रकार की भक्ति है। भगवान के नाम के बारे में सुनना, भगवान की ग्लोरीज के बारे में बोलना, भगवान का नाम जाप करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, भगवान के अर्च विग्रहों की सेवा करना, ओबेसेंसेस भगवान के प्रति ऑफर करना, भगवान का सेवक बनना, दास बनना, भगवान का मित्र बनना और भगवान के प्रति समर्पित होना। श्रवणम और हियरिंग ये पहला स्टेप है,
इन एक्वायरिंग ट्रांसडेंटल नॉलेज, जो ये जो द्वितीय ज्ञान की हम बात कर रहे थे, ये ज्ञान हम कैसे प्राप्त करते हैं? श्रवण करने से। तो किसका श्रवण करना चाहिए, किसका हमको सुनना सुनना चाहिए? हमको हमको ऑथराइज पर्सन जो है, जो गुरु परंपरा से आए हुए हैं, जो जो गुरु है, जो कृष्ण भगवान ने खुद भगवत गीता में 14th अध्याय में 34वें श्लोक कहा है, बताया गया है, हमको बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से सुनना चाहिए, हमको सुनना चाहिए। तो इस भौतिक जगत में बहुत सारे जीव है, वो भटक रहे इधर उधर से, लेकिन मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे शुद्ध भक्त के संग में आने का मुझे मौका मिल रहा है, और मुझे कृष्ण कॉन्शियस में अच्छी तरह से भक्ति करने का मौका मिला है। तो श्रील प्रभुपाद पर्पट में कहते हैं, द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इज गिविंग सच अ चांस टू द ह्यूमैनिटी एट लार्ज, इफ बाय फॉर्चून वन टेक्स द एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, The path of liberation immediately opens. तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस्कॉन हमको मौका दे रहा है भक्ति में आगे बढ़ने का, मौका दे रहा है भगवान की सेवा में एंगेज होने का मौका है, करके हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। So one should accept this opportunity. हम इनको दोनों हाथों से ये opportunity को हमको हमको grab करना चाहिए, और उत्साह के साथ, enthusiasm के साथ हमको काम करना चाहिए। तो अगर हमारे जीवन में एंथुसियाज्म नहीं है तो हम सफल नहीं हो सकते। एंथुसियाज्म कम्स, कब आता है एंथुसियाज्म? व्हेन वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ व्हाट वी आर गेटिंग, हमको जो मिल रहा है उसकी वैल्यू अगर हम समझेंगे तब उत्साह आता है हमारे में। इवन इन द मटेरियल वर्ल्ड वन हैज टू बी एंथुसियास्टिक, भौतिक जगत में सबको एंथुसियास्टिक होना है, स्टूडेंट को देखते हैं, बिजनेसमैन को देखते हैं, आर्टिस्ट को देखता है, तो सभी एंथुसियास्टिक होते हैं, सभी उत्साह से काम करते हैं। तो भक्ति में हम उत्साह क्यों ना रखें, हम भक्ति में उत्साह, और उसका उत्साह किसके लिए हमको रखना है? भगवान कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण को आनंद देने के लिए हमको उत्साह रखना है। एंथुसियाज्म डज नॉट मीन्स एक्शन, बट मीन्स एक्शन, बट एक्शन फॉर हुम? आंसर, एक्शन इज फॉर कृष्ण। एंथुसियाज्म मतलब उत्साह जो है वो कृष्ण के लिए, जो एंथुसियाज्म उसे हम उत्साह कह सकते हैं। तो एंथुसियाज्म शुड बी ऑलवेज फॉलोड अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। जो ये उत्साह है हमें, वो उत्साह किसके मार्गदर्शन में होना चाहिए? वो गुरु के मार्गदर्शन में हमको होना चाहिए। सो आवर एंथुसियाज्म शुड बी डायरेक्टेड टू मेक एवरीथिंग फेवरेबल फॉर कृष्णा सर्विस। सो कृष्ण की सेवा में हम जो भी कार्य करेंगे, कृष्ण भक्ति के लिए जो अनुकूल है, वो गुरु के मार्गदर्शन में करेंगे, तो वो क्या है? वो हमारा उत्साह है। तो श्रील प्रभुपाद ने पर्पट में बहुत सारा अच्छा एग्जांपल दिया है, एक डिक्टाफोन का एग्जांपल दिया है, मतलब वो भले भौतिक चीज है, लेकिन श्रील प्रभुपाद कैसे उसे कृष्ण की सेवा में लगा रहे। अभी यहाँ से बहुत सारी चीजें, ये माइक है, ये लैपटॉप है, ये माउस है, ये सारी भौतिक चीज है, लेकिन ये कृष्ण की सेवा में इसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो जो भी एंडेवर है, जो परिश्रम हम कर रहे हैं, व्हेन इट इज एग्जीक्यूटेड विद इंटेलिजेंस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड उत्साह। जो मतलब जो बुद्धिमानता से जो हम परिश्रम कर रहे हैं और जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी चीजों को हम कृष्ण भक्ति में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो है उत्साह, वो है एंथुसियाज्म। सो व्हेन वी हैव इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड हाउ अ मेडिसिन वर्क्स, इफ दिस मेडिसिन हेल्प्स मी टू क्योर, then it creates enthusiasm to take the medicine, right? अगर हम कोई बीमार है, अगर कोई मेडिसिन है और हम वो मेडिसिन खा के हमको उसको हमको हम ठीक हो रहे हैं, तब हमें वो उत्साह है कि वो मेडिसिन खाने का। तो उसी प्रकार उत्साह भी हमारे लिए ऐसा ही है। तो whenever in Krishna, wherever is Krishna, Krishna conscious intelligence, this mood is favorable for Krishna. Object is favorable for Krishna. So this place is favorable for Krishna. With that understanding, we have to do the endeavor. That is called utsaha. So utsaha nichaya dhaira tattat karma pravartana sangatyaga sato vritte sadbhir bhakti prasiddhi. So इसी के साथ मैं क्लास को विराम दूंगा। Thank you very much. आपने बहुत शांतता से मुझे झेला है।
उपदेशामृत की जय। जय पता का स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नीता गौर प्रेमानंद की जय।